दोस्तों जिस हिसाब से सलार मूवी की हाइप नहीं बनी हुई थी, हालांकि मूवी जब रिलीज होने वाली थी उसके एक दो हफ्ते बाद सलार फिल्म को लेकर इस तरह की हाइप बनी कि किसी ने सोचा भी नहीं था। फिलहाल तो फिल्म को रिलीज हुए आज 15 दिन हो गया है, जो कि इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के आंकड़े भी सामने आ चुके हैं। टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, जी हाँ दोस्तों, मूवी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। और डंकी के कलेक्शन के बारे में बात करें तो दोस्तों डंकी मूवी ने वर्ल्ड वाइड 400 करोड़ से कहीं ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। यानी कि दोनों ही फिल्में इस साल की, सॉरी 2023 के साल के नंबर वन मूवी साबित हो चुकी हैं। मतलब हम किसी को हिट फ्लॉप का टैग बिल्कुल भी नहीं दे सकते, दोनों ही मूवी अच्छी थी। पहले सलार मूवी के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सलार मूवी के 15 दिन का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 381 करोड़ हो गया है। जी हाँ दोस्तों, वहीं अगर वर्ल्ड वाइड के बारे में बात करें तो सलार मूवी वर्ल्ड वाइड 650 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है, यानी कि बहुत जल्द ये वर्ल्ड वाइड 700 करोड़ कमाने वाली है। वहीं अगर ओवरसीज के बारे में बात करें तो सलार मूवी ओवरसीज में 132 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करी है। मूवी ने आज 3.5 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। ये तो रहा सलार मूवी का 15 दिन का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। अगर डंकी के बारे में बात करें तो दोस्तों डंकी मूवी ने वर्ल्ड वाइड 417 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है। वहीं इंडिया में मूवी ने 235 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। विदेशों में बात करें तो दोस्तों विदेशों में ये मूवी 154 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि डंकी मूवी वर्ल्ड वाइड 500 करोड़ क्रॉस कर ही लेगी, थोड़ा समय लेगी लेकिन कर जरूर लेगी। ऐसे में अगर देखा जाए तो दोनों मूवी का कलेक्शन बढ़िया रहा है। सलार मूवी का बजट 400 करोड़ था, डंकी मूवी का बजट 140 करोड़ था, तो इस हिसाब से दोनों ही फिल्मों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया बॉक्स ऑफिस पर, और कलेक्शन के मामले में दोनों ही फिल्मों का कलेक्शन काफ़ी बढ़िया रहा है। अच्छा, सलार मूवी को लेकर तो ऐसा बताया जा रहा था कि इसका फेक कलेक्शन दिखाया जा रहा है, वहीं डंकी को ऐसा बोला जा रहा था कि इसकी कॉर्पोरेट बुकिंग हो रही है। हालांकि ये सामना जो है ऑडियंस कर रहे थे, एक दूसरे के जो ऑडियंस है, सलार मूवी के ऑडियंस ऐसा बोल रहे थे, वहीं डंकी मूवी के ऑडियंस ऐसा बोल रहे थे। हालांकि सलार का फेक कलेक्शन था कि नहीं था और डंकी की कॉर्पोरेट बुकिंग हो रही थी कि नहीं हो रही थी, मतलब कोई कन्फर्मेशन नहीं है। वीडियो तो किसी भी तरह का बनाया जा सकता है, तो यहाँ पे भी बहुत सारे प्रूफ आए थे, दिखाया भी गया था कि ऐसी ऐसी चीज़ें जो है सलार और डंकी को लेकर हो रही थी। हालांकि इसके बावजूद भी मूवी ने बहुत अच्छा कलेक्शन किया है, जो कि आप लोगों के सामने ही है। फिलहाल तो कल की मूवी का इंतज़ार किया जा रहा है। उससे पहले डायरेक्टर मारुति के साथ प्रभास की एक और फिल्म आने वाली है, जो शायद इसी साल रिलीज होगी, जिसका भी टाइटल नेम अनाउंस नहीं किया गया है, लेकिन बहुत जल्द इस फिल्म का टाइटल नेम भी अनाउंस कर दिया जाएगा। अगर SRK के बारे में बात करें तो SRK अपने बेटी सुहाना के साथ किसी फिल्म में नजर आने वाले हैं, और ये एक क्राइम थ्रिलर मूवी होने वाली है, और इस फिल्म का नाम शायद किंग है। तो सलार मूवी का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, यानी कि 15 दिन का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वर्ल्ड वाइड 650 करोड़ है, जो बहुत जल्द 700 करोड़ होने वाला है। वहीं अगर डंकी मूवी के बारे में बात करें तो डंकी मूवी का वर्ल्ड वाइड 417 करोड़ है, जो शायद 500 करोड़ तो ये आराम से कमा ही लेगी। तो दोस्तों सलार डंकी मूवी के 15 दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में आपका क्या कहना है, और आपको क्या लगता है, क्या डंकी मूवी 500 करोड़ वर्ल्ड वाइड कमा लेगी, और सलार के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में आपका क्या कहना है, फटाफट कमेंट करके बताइए। और मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई बातचीत करनी हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।